मध्य प्रदेश में एक बार फिर से भारी बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। रविवार को प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश हुई, जिसके कारण गंभीर और तवा डैम के गेट खोलने पड़े। मौसम विभाग ने प्रदेश के बारह जिलों में आज भी तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है और यह अनुमान लगाया है कि आगामी दो दिनों तक मौसम का मिजाज ऐसा ही रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में एक स्ट्रॉन्ग बारिश सिस्टम एक्टिव है, जिसके कारण भारी बारिश होने की संभावना है। हरदा, बैतूल और बुरहानपुर में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जबकि श्योपुर, मुरैना, शिवपुरी, गुना, रायसेन, नरसिंहपुर, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, सीहोर, राजगढ़, शाजापुर, देवास, खंडवा, बड़वानी, अलीराजपुर, धार, इंदौर, उज्जैन, झाबुआ, रतलाम और मंदसौर जिलों में भी तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ग्वालियर, भोपाल और जबलपुर में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। रविवार को तेज बारिश के कारण कई जिलों में सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ। गंभीर और तवा डैम के गेट खोलकर पानी छोड़ा गया। उज्जैन में गंभीर गेट के दो और नर्मदापुरम में तवा डैम के सात गेट खोल दिए गए। उज्जैन और भोपाल में एक एक इंच बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि छिंदवाड़ा में पौन इंच, इंदौर, नर्मदापुरम और खजुराहो में आधा इंच बारिश दर्ज की गई। गुना, सिवनी, खरगोन, पचमढ़ी, रीवा, शिवपुरी, इंदौर, राजगढ़, रतलाम, विदिशा, गुना, रायसेन आदि जिलों में भी बारिश का दौर जारी रहा। अच्छी बारिश के कारण प्रदेश के अधिकांश डैम लबालब हो गए हैं। सीहोर का कोलार डैम, शहडोल का वाणसागर डैम, मंदसौर का गांधी सागर डैम, खंडवा का इंदिरा सागर डैम और ओंकारेश्वर डैम, राजगढ़ का मोहनपुर डैम, गुना का गोपी कृष्ण सागर डैम, विदिशा का संजय सागर डैम, ग्वालियर का तिघरा डैम, शाजापुर का टिल्लर डैम, भोपाल का कलियासोर डैम, जबलपुर का बरगी डैम और नर्मदापुरम का तवा डैम लगभग भर चुके हैं।